के रामपुर में गुस्साए किसानों ने आरटीओ विभाग में ताले जड़कर विरोध जाहिर किया और जमकर आरटीओ विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि रामपुर आरटीओ किसानों के टैंकर के एनओसी ट्रांसफर के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। यही नहीं, लाइसेंस बनने के नाम पर भी पैसा लिया जा रहा है। अगर एक नंबर में लाइसेंस बनवाओ तो कई महीनों में लाइसेंस बना कर देते हैं। आरटीओ विभाग में बाहर बैठे दलालों के जरिए खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है और जिले के डीएम चुप बैठे हैं। वहीं इस मामले में आरटीओ अरुण कुमार से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे को बंद कराने लगे और कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। आप खुद देखिए आरटीओ साहब को हाथ से अपना मुंह छुपाते हुए। बाइट दे दीजिए ना सर। बाइट नहीं दे सकते। अरे सर, इसमें बाइट का वर्जन। केवल डीएम साहब दे सकते हैं। बाइट धरने में इसलिए बैठे हैं कि इस आरटीओ दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार है। अगर कोई लाइसेंस बनवाने को आए तो एक दो महीने में तो लाइसेंस बना के देते हैं और पैसे लेते हैं ज़्यादा। इसी प्रकार से ट्रैक्टरों की, जो ट्रैक्टर बाहर से किसान लेके आता है उसके एनओसी भी लेके आता है। जब एनओसी हम लेके आए वो कंप्यूटर पर चढ़ी हुई है और नेट पर पड़ी हुई है, तो ट्रांसफर करने में क्या परेशानी आ रही है? इन्हें चाहिए मोटे नोट। नोट किसान कहाँ से दे लागे? अरे किसान की पैसे इसी खुशी की नहीं है। अब एक ट्रैक्टर में 25-25-30,000 रुपये मांग रहे हैं। ये किस चीज़ के मांग रहे हैं? रिश्वत के मांग रहे हैं। पैसे तो कब होगा? पहले वाले आई टी में चलिए इस तरह तो नहीं करा। मतलब वो तो जैसे आए एनओसी क्या मनमानी भी कर रहे हैं? आरटीओ मनमानी डटके कर रहे हैं या काम नहीं हो रहा है किसी का भी? सब लोग परेशान हैं। किसी से बात लेके देखो, किसी से मालूम कर लो। इससे आरटीओ ने त्राह त्राह कर रखे हैं सब लोग। तो आंदोलन जारी है आपका? आंदोलन जारी रहेगा। तालाबंदी भी किया, कल तक अगर ये नहीं माना तो हम कल के बहुत बड़ी पंचायत करेंगे। इस रोड पे काम बंद ऐलान करेंगे। इस दफा में कल तक काम नहीं होगा फिर।